नालागढ़ के एक टेलर द्वारा नाबालिग युवती का धोखे से वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में बीबीएन के हिंदू संगठनों ने एसडीएम नालागढ़ को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग दोहराई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदू कार्यकर्ता नालागढ़ में एकत्रित हुए और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने बताया कि कुछ दिन पहले नालागढ़ में एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ शहर के एक नामी टेलर द्वारा दुराचार किया गया था। उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए वे एसडीएम से मिले हैं। हिंदू संगठनों ने कहा कि जितने भी बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर दुकान चला रहे हैं और किराए पर रह रहे हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने यहां पर राशन कार्ड बनाए हैं और कैसे जमीनें खरीदी हैं। गुरदयाल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये लोग वोट यहां पर भी डालते हैं और यूपी सहारनपुर में भी। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां पर व्यापार करने के बहाने समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। हमने तो ज्ञापन दिया, जो हमारी बच्ची के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ था उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें जो जो दोषी हैं उनको उठाया जाए और इस पर असली कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये हिमाचली बने हैं, इनके पास मकान भी है, यहाँ भी मकान है, किराए पर भी है, इन्होंने दे रखा, जो लाट में ये कमरे बने हैं, तो ये कैसे इनको मिले, इनकी वोटें कैसे बनी, इनको आधार कार्ड कैसे बने। और यहाँ कम से कम नालागढ़ में कम से कम 200-250 बंदा ऐसा होगा कि इनकी सारी की कार्रवाई करे, कमेटी इसकी इंक्वायरी करे, एसडीएम साहब को ऑर्डर दे कि इनकी कमेटी इंक्वायरी करे और पता लगे भी कौन है, कहां से आए हैं, ज़्यादातर शाहनपुर और यूपी बाहर से जो आए हैं इनके। ज्ञापन जो है हमें विश्व हिंदू परिषद जिला नालागढ़ की तरफ से, जो इनके कार्य अध्यक्ष महामंत्री जी और जिला संयोजक बजरंग दल है, उनकी तरफ से प्राप्त हुआ है। उसमें इन्होंने कहा है कि जो कुछ नीतिगत मुद्दे उठाए कि जो बिना वेरिफिकेशन के कम किराएदार रह रहे हैं या जो जिनके राशन कार्ड जिनका ऐसा कहना है कि फर्जी तरीके से बने, उसकी जाँच की जाए। इस संबंध में हमने इनको जो अवगत करा दिया है कि जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की। ये मैंने इनसे कहा है कि चूंकि इन्होंने बड़ा जर्नलिस्ट टाइप का कंप्लेन दिया है, तो मैंने कहा कि अगर ऐसे इंस्टेंसेस आपकी नज़र में है तो हमारे ध्यान में लाइए, हम उसकी जांच करेंगे कैसे बनाएंगे। संबंध में मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं, आप शिकायत दीजिए, मैं कार्यकारी अधिकारी से संबंध में जवाब तलब करूँगा।